हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जस्ट नींद से उठी हूँ और आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे पहले मेकअप वेकअप करके आप लोगों से मिलूं, लेकिन गुड मॉर्निंग तो बोलना था। हाय, दिन की शुरुआत करते बताती हूँ क्या होगा, मुझे खुद को भी नहीं पता। चलिए अंदर देखते हैं। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत गेट है, लग रहा है सन टेम्पल। की करछो भाभी, सकाल सकाल उठे ये खाचो? ওটা বিস্কুট বলে? ওটা হচ্ছে লিটল হার্টস। কি বলবো, কিছু নেই। यहां से पानी टपक रहा था रात को, यहां से भी। जीविता ये सब कचरा लाके जमा किया, कोई तो खा नहीं रहा, मम्मी पापा ही खा रहे। ये बिस्किट बोलते इसको। लगता है दिन की शुरुआत से ही मेरा काम शुरू हो गया डांटना पापा को। लियाना का तो मॉर्निंग सुबह 6 बजे हो जाता है, मेरा भी तो हम उठ गए हैं, सब लोग सो रहे हैं। तो बिकॉज ऑब्वियसली कल एक अलग जगह था, इसके लिए भी तो इसको रात भर नींद नहीं आई। तो इसको बस कंफर्टेबल जगह ढूंढते ढूंढते फाइनली इसका कंफर्टेबल जगह हुआ मेरी मम्मी के पास। तो नाना नानी के साथ वो कल रात को सो रही थी, क्योंकि वहाँ पे वो फाइनली जब सोई तो हमें लगा कि एटलीस्ट वो सो गई है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आज तो बारिश तो देखी है, ओ माय गॉड। तो इसलिए सुबह 6 बजे का जो नहाने का सिलसिला होता है, तो आज हमने सोचा इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, 8 o'clock। ठीक है, पर ठीक है। और ये भी कंफर्टेबल नहीं है, इसको भी बारिश में गीले गीले में पॉटी करने का जगह नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या होगा, हम सबको कुछ ना कुछ तो हो रहा है प्रॉब्लम, पर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी तो बस बारिश में बैठ के एंजॉय कर रहे, बारिश देख रहे हैं और ये पता नहीं क्या चाह रहा है। कॉफी पीते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज हॉर्स राइडिंग करना था, कितने जबूजी करने थे, बट जो बारिश, इस बारिश में बेचारा हॉर्स क्यों गीला होने निकलेगा अस्तबल से। It is raining, my Lupo. It's called raining. बाहर बारिश नहीं हो रही है, घर के अंदर भी बारिश हो रही है। जीविता, अब तुम उठ गई, आओ स्विमिंग कर लो। यहाँ पे छत से पानी टपक रहा है, टूप टूप। एक्चुअली साउंड आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो मैंने सोचा साउंड तो मैं दे ही दूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? Otherwise everything is so beautiful, but the best time I think to come is not in the rains. Hi Pavel, good morning. तो finally घोड़े बाहर आ गए, पर वो लोग इधर कैसे आएंगे? जी भी बुलाओ। मुझे एक ही का नाम पता है। तुम बुलाओ। Queen. What nonsense. वो घोड़े ऐसे नहीं बुलाते, ऐसे बुलाते। देखा वो देखा। वाले हो शेर डॉगी, दोनों से डर नहीं रहे हो? ये दोनों आके वेट कर रहे हैं। फाइनली घोड़ों को छोड़ा है और सारे घोड़े यहाँ पे भाग रहे हैं। मैं तो रेडी नहीं हूँ, तो अभी तक फोटो नहीं खींच सकते, लेकिन घोड़े के शॉट आप देख सकते हैं। मेरे पास एक छोटा घोड़ा है। बस घूमना है, एक जगह बैठना नहीं है। So cute. तुमने क्या किया अपने आप को? हाँ, तुम्हारे लिए मैं गाना गाती हूँ। जीवी, यू कैन डांस, तो डांस ना प्रॉपरली। सुन 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 बरसात की धुन सुन, रहता है साथ मेरे तू फिर कम रहता है। ये फंस गया सी है। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। शैम्पू कर लो, पड़ेगा बहुत सारा।
यू हैव एनीथिंग फॉर मी जो मुझे बाल को एकदम इजीली करे, क्योंकि मुझे बहुत बोर हो रहा है ना आने। तुमको क्या लगता है मैं एकदम चलती फिरती ब्यूटी हो आप की दुकान? जब आप यू हैव एवरी सीजन के लिए उपाय, इसके लिए मुझे तुमको लोगों का बिफोर वाला हेयर दिखाने दो, तुम्हारे बिफोर वाला लट लगे हुए गजब के बाल, फिर तुम्हें आफ्टर का दिखाऊंगी। इसके लिए मेरे पास है द बी ब्लंस शैम्पू। दिस इज एन इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू, दिस विल डीपली नरिश योर हेयर एंड एड शाइन, एंड एज यू हैव कलर्ड हेयर इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट योर हेयर कलर। ऑल्सो दिस इज फ्री फ्रॉम पैराबेंस। ये लो, सिर्फ कभी शैम्पू नहीं करना, उसके साथ साथ करना है तुमको मॉइस्चराइज। सो दिस इज बी ब्लंस इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर फॉर सीरियसली ड्राई हेयर विद जोजोबा एंड विटामिन ई, एंड लुक एट द पैकेजिंग, इट इज अमेजिंग। सो उसके बाद तुम इससे करोगी कंडीशनर, और उसके भी बाद अगर तुम्हारे बाल तभी भी फिक्स नहीं हुए, जो कि हो जाएंगे, यू विल हैव टू यूज दिस बी ब्लंस इंटेंस मॉइस्चर हेयर सीरम विद एवोकाडो जोजोबा आर्गन ऑयल एंड विटामिन ई। मतलब जो उधर है शैम्पू में, जो कंडीशनर में है, दोनों चीज का मिश्रण इस हेयर सीरम में है। आई विल अप्लाई दिस ऑन माई हेयर ऑल्सो। सभी क्विकली शैम्पू करके आओ, क्योंकि तुम्हारे बाद मैं भी शैम्पू करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भी बाल हो गए हैं ड्राई। तुम्हारे चक्कर में घोड़े को खाना मैंने भी खिला दिया। So, जीविता नहा चुकी है फाइनली, और अभी मैं नाइन नाइन करने जाऊंगी। नाइन नाइन से पहले लुक एट माई हेयर, दिस इज लाइक द रियल टाइम बिफोर एंड आफ्टर। यू विल सी बालों की हालत तो देखिए, मतलब किसी भी एंगल से मैं बाल बांध भी लू ना तो भी सही नहीं लग रहा है, बिकॉज बारिश में गीले होके सूख के बाल एकदम फ्रिजी हो गया। छोटा सा ब्रेक लेके मैं दिखाती हूँ चल क्या रहा है यहाँ पे। लोग ना छत पे चढ़ रहे हैं, मैंने दिखाया था वो छत पे से पानी टपक रहा था, तो लोग अभी छत पे चढ़ चढ़ के पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है ऑफ एक्सट्रीम रेन, एंड वी रियली डू नॉट नो व्हाट इज गोना हैपन हियर, बट कोई बात नहीं, एंजॉय करो जब तक, इफ इट इज फीलिंग गुड, इट इज लुकिंग गुड, जस्ट एंजॉय। सो कमिंग बैक टू दिस, एवोकाडो इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ बायोटिन जो कि इसमें है, एंड होहोबा ऑयल है इसमें, तो वो इज वेरी रिच इन विटामिंस एंड मिनरल्स, तो हमारे बालों को वो स्ट्रेंथन भी करता है और बालों को शाइन भी देता है, मॉइस्चराइज भी करता है। तो नहा के आती हूँ, एंड या बाय द वे यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट विथ माई कोड देवीना 20 ऑन बी ब्लंस वेबसाइट, एंड द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हियर। और क्या और कुछ बताना था, ये बताना था कि मैं इससे नहा के आने के बाद मेरा बाल कितना खूबसूरत दिखेगा। एक क्या अभी क्या बाथरूम में भी आओगे? नो जल्दी रुको, मैं नहा के आती हूँ, गिव मी 9 मिनट्स में मैं नाई नाई करके आऊंगी। ओके बाय। हैला, आप इतनी रेडी कैसे हो गए? इतनी रेडी इसीलिए क्योंकि बाथरूम में सब कुछ लेके घुसी थी, तो मैं एक्चुअली पूरा पिटारा लेके आई हूँ घर से, तो सब कुछ मैंने बाथरूम में सेट कर दिया। क्रीम्स, मॉइस्चराइजर, ब्लो ड्रायर, ये तो इन लोगों ने दिया हुआ है। मेरा मेकअप का सारा सामान सब कुछ मैं लेकर आई हूँ, और सब बाथरूम में ही रखा, तो मैं बाथरूम में ही रेडी हो गई, एंड लुक एट माय हेयर। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि इतना ज्यादा बाल कैसे खराब हो गया, रूखे ड्राई टाइप का। इट इज बिकॉज ऑफ यस्टरडे वी केम बाय द शिप ऑल्सो नो, तो इसलिए समुन्दर के पानी से बाल इतना ज्यादा ड्राई हो गया। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दिस सीरम, तो इस सीरम को लगा के मैंने ब्लो ड्राई किया तो एकदम बाल फुल टेम्ड हो गए। तो हो गया बहुत रूप चर्चा, सिर्फ दो इयर रिंग जो मैं बाथरूम में लेके नहीं गई थी वो मैं यहाँ पहनूंगी और रूम में चलूंगी। हाउ आई लुकिंग बाय द वे, नाइस। चलो ये बाहर चल के अच्छे अच्छे फोटोज खींचेंगे। ये जो जकूजी है यहाँ पे, इसके साथ कितना प्लानिंग था आने से पहले, लोगों ने बोला था कि दैट्स अ ब्यूटीफुल जकूजी, उसके साथ हम फोटोज खींचेंगे, पर इतनी बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, बाप रे। आउटडोर में बैठ के जकूजी खेलना इतना सेफ नहीं है। लाइफ इज अ पार्टी, यू आर इन अ जंगल, यू वर विद द हॉर्सेस, सो यू थॉट लेट्स बी अ चीता। लेपर्ड, इस घोड़े को तो देखो लग रहा है इसको भी शैम्पू और कंडीशनर की सख्त जरूरत है।
By the way, ये विला इतना सुंदर है, इतना नीट एंड क्लीन है, इतना सब कुछ परफेक्ट है. ऑब्वियसली रेनी सीजन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, और जो रियल था मैंने वही दिखाया. लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हुआ उन लोगों ने लोग भेज के फटाफट यू नो छपरा बांध दिया ताकि अंदर पानी ना आए. कीपिंग टेकिंग केयर ऑफ द क्लिनलीनेस एंड द फूड एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग. वैसे वो विला भी अगर आपको बुक करना है ये वाला तो उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगी, तो आप इसको भी बुक कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अमेजिंग. क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहे हैं, वहाँ पे लीली रही है, वहाँ पे जीवी रहे है, और साथ में रहेंगे इतने सारे घोड़े. तुम तो मेरे पीछे ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम मेरा पर्सनल सीसीटीवी कैमरा हो. व्हाट्सएप लंच टाइम. आज मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया था मशरूम मटर, चिकन सुक्का, भिंडी, दो प्याजा, चावल, इसमें है चपाती और तंदूरी चिकन, खिचड़ी भी है. तभी ना अपने गुरु का फेवरेट दाल नहीं मंगाया. मैंने तो तुमको मैसेज किया तो मुझे लगा कि आका ठीक है आपने दाल खिचड़ी मंगाया तो उसमें दाल खिचड़ी. गुरु तो चावल नहीं खा रहा है तो दाल खिचड़ी कैसे खाएगा फिर. अभी बोलने से चिक चिक करेगा. खाने का इंतजाम है यहाँ पे बट दे आर प्रेफरिंग कि वो खाना बाहर से ला के दे रहे हैं हमें कहीं से. अच्छा, चावल भी खिचड़ी भी मैंने प्लेट में सब कुछ ले लिया. अभी गुरु पता नहीं क्या पढ़ रहा है. एकदम बहुत ली. मैंने सोचा फिर मैं भूल गई दाल कोई बात. मेरा सोच तक ही रहेगा. दोबारा ऐसी गलती मत. सुंदर से हमने सजाया कि कुछ फोटो लेंगे. She is just not in a mood. Break. तो ऊपर तक आ गया है, मतलब बीच ही नहीं बचा है. तो इसमें गुरु को बोला गया था कि आप आओ और बीच पे एक हॉर्स राइडिंग करो. तो गुरु ने बाय चांस बोला कि अभी नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं. तो पानी में तैर रहे होते मैं और घोड़े. नहीं, गुरु इतना पानी नहीं है. पानी के ऊपर यू नो बचपन में सिंथॉल का एड देखा था करके पानी के ऊपर. तो मैं सिंथॉल का एड शूट करती, ऑडियंस खुश हो जाते. अच्छा, बाय द वे हम लोग थोड़ा ड्राइव पे निकले थे. हम लोगों ने सोचा, गुरु ने सोचा कैफे चलेंगे. यहाँ पे कोई कैफे वैफे है नहीं. मैं जितना भी कोई कैफे डाल रही हूँ सब नवी मुंबई या कोलाबा में सिलेक्ट कर रहा है. तो अभी हम लोगों को मिला फाइनली एक कैफे जिसका नाम है कीकीज कैफे. तो हम देखते हैं कीकी कैफे में की मिलता है. कुछ मिला तो नहीं. कीकी वाज अ फ्लॉप शो और कुछ भी नहीं मिला फाइनली. तो हम लोग समंदर किनारे आए हैं समंदर देखने. मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी बाबा, बहुत ही बारिश दिख रहा है. हाँ, ऐसे गोल करके रखो ताकि मेरे तरफ समंदर आ जाए. So, दो दिन का हमारा ट्रिप इधर ही खत्म हो गया और हम लोग रेडी है. लियोपियो टोपी ड्रेस पहन के रेडी है, मैं भी रेडी हूँ. वहाँ पे दो बड़े बड़े कुत्ते हैं, वो लोग चढ़ चढ़ के मेरा कपड़ा थोड़ा खराब कर दिया. व्हाइट ड्रेस थोड़ा दिख रहा है. तो हमारा फर्स्ट ट्रिप विद लियोपियो, आप लोगों को कैसा लगा बताइए. हल्की हल्की बारिश हो रही है तो क्विकली अंदर जाती हूँ. गाड़ी से भी जाएंगे हम फेरी डॉक, उसके बाद वही रोरो फेरी से हम चले जाएंगे मुंबई बैक टू द मंडन. बट दिस ट्रिप, हाउ डिड यू लाइक इट? प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू गुरु तुम्हारा फेवरेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवीना डिकोड्स.